तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर एच आई जे के, इसे बोलते हैं हम लोग कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड। सो क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसा कि आप जानते हैं ये 0-4 टाइप का टेंसर होता है। इसकी प्रॉपर्टी, इसमें चार इंडेक्स हैं एच आई जे के अथवा ए बी सी डी, कोई भी चार ले लीजिए। तो इनकी प्रॉपर्टी ये हैं कि ये पहली दो में इसकी सिमेट्रिक होता है अथवा लास्ट दो के लिए इसकी सिमेट्रिक होता है। पेयर में लिखें तो ये सिमेट्रिक होता है। और एक होती है वियांसी फर्स्ट आइडेंटिटी, उसको प्रूफ करेंगे, इसको साइक्लिक प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी चार प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर आई एच जे के। सेकेंड प्रॉपर्टी है आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के जे। पहले तो हमने क्या किया, इन शुरू की दो में ये इसकी सिमेट्रिक है, फिर लास्ट में इन लास्ट की दो में इसकी सिमेट्रिक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अथवा आर एच आई जे के इज इक्वल टू जीरो। इसको ऐसा लिख सकते हैं आर एच आई, यहाँ पर एच आई में है, इसमें लास्ट में है, तो जे के इक्वल टू जीरो, यानी स्मॉल ब्रैकेट कर दिए, इसका मतलब इनमें ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। इसको लिखते हैं हम लोग आर एच आई जे के प्लस आर एच आई के जे इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, अथवा आर एच आई जे के प्लस आर एच आई आर आई एच जे के इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हैं आर एच आई जे के प्लस आर एच आई के जे इज इक्वल टू जीरो। ये इसलिए लिखा रहे हैं कि नोटेशन आपको समझ में आना है, कैसे भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है अपने को बनना चाहिए। क्या मीनिंग होती है, बच्चों को मालूम होता है कि ये इसमें इसकी सिमेट्रिक है, तो इसके स्टेटमेंट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक नोटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एच आई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, क्लियर। ये लास्ट में इसकी सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब ये होता है। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, कि प्रथम दो इंडिसेस में इसकी सिमेट्रिक, लास्ट की दो इंडिसेस में इसकी सिमेट्रिक। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, पेयर ऑफ इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है, मतलब आर एच आई जे के इज इक्वल टू आर जे के एच आई, क्लियर। और चौथी प्रॉपर्टी है, ये है आर एच आई जे के प्लस आर एच जे के आई प्लस आर एच के आई जे इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि इसमें पहली को छोड़ करके आई जे के को चक्रीय क्रम में बदल दीजिए, तो जो तीन स्टेप आएंगे उनका सम जीरो होता है। इसे बियांची फर्स्ट आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वी आई एस या चाहे बियांकी, बहुत लोग बोलते हैं बियांची बोलते हैं, बियांची फर्स्ट आइडेंटिटी। ये तो इस प्रकार से ये तो हुई हमारी इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब इनको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड इज स्क्यू सिमेट्रिक इन फर्स्ट टू इंडिसेस, क्लियर है।
मीन्स पहली प्रॉपर्टी है हमारी, प्रूफ करेंगे आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर आई एच जे के। तो सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे वी हैव आर एच आई जे के, इसकी जो परिभाषा होती है वन बाई टू, पहले होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर, क्लियर है। तो उसमें ध्यान देना है, इसमें चार इंडेक्स हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम लोग डेल टू जी आई जे को लेते हैं, किसको लेते हैं आई जे, ऊपर पहले रहेगा आई जे अपान, अब कौन कौन सी बची एच और के, तो डेल एक्स एच डेल एक्स के, ये समझ में आ गया। पहला इसे समझना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो मालूम है, अब आपको इंडेक्स समझना कौन सी लिखनी है, तो बीच वाली इंडेक्स, कौन सी बीच वाली आई और जे है। तो डेल टू जी आई जे अपान डेल एक्स जो बची हैं एच और के, यहाँ हो जाएगा फिर प्लस, अब जो यहाँ पर बची हैं उनकी बारी आई, तो डेल टू जी एच के अपान, अब बचा क्या है आई और जे, तो डेल एक्स आई डेल एक्स जे, फिर माइनस, माइनस में क्या है कि अब अभी हम लोग इसको लिए थे पहले शुरू में, अब पहले को और तीसरे को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल टू जी एच सॉरी डेल टू जी एच जे अपान डेल एक्स आई डेल एक्स के माइनस। अब ये हो चुका है एक बार, तो अब ये आएगा, तो डेल टू जी आई के अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे। तो सबसे पहले जो चार पद होते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को, उनको लिखने का ढंग समझ में आ गया कि मीट्रिक टेंसर के लिए पहले जो इंडेक्स लिखना है, तो पहले बीच की रहेगी आई जे, नीचे जो बची हैं, फिर प्लस जो नीचे थी अब यहाँ लिखेंगे, फिर जो बचेगा माइनस पहले को और तीसरे को, जो बचेगी अब फिर वही क्रम बदल गया। ये ध्यान देना है कुल चार पद होते हैं, दो प्लस होते हैं दो माइनस होते हैं, ये हो गए समझ में। अब दो पद और बचे हैं क्रिस्टाफल सिंबल्स के बारे में, क्लियर। तो प्लस क्रिस्टाफल सिंबल यहाँ पर डमी इंडेक्स, ध्यान देना है ये चारों इंडिसेस लोअर में हैं, तो जहाँ भी आप देखेंगे सभी क्या रहेंगी लोअर में रहेंगी। अब क्रिस्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, यहाँ एम लिखे हैं, तो एम अपने से लिए हैं ना, ध्यान देना है, तो अब एम हो जाएगा आई जे, आई जे लिए हैं यहाँ पर, तो आई जे अभी हो जाएगा फर्स्ट काइंड एम, आई जे तो ले चुके, अब क्या बचा यहाँ एच के, तो ये हो गया एच के। एम क्या है डमी इंडेक्स है, चूँकि एम यहाँ ऊपर है ना, ये कॉन्टेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। देखिए आई जे एच के आई जे चारों आ गई ना, अब माइनस क्रिस्टाफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड एम आई के, फिर यहाँ पर एम एच जे, आई के हो चुका ना, एच जे बचा ये। तो इस प्रकार से ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम माइनस को बाहर कर देंगे यदि, तो ये हो जाएगा इसमें वन बाई टू, ऐसा कर दीजिए वन बाई टू, जब माइनस बाहर कर दिए तो ये वाले पद पहले लिख देंगे, तो यहाँ एच आई है तो क्या हो जाएगा आई एच हो जाएगा, तो यहाँ आई एच हो जाएगा तो एच जे आ जाएगा, तो एच जे का मतलब ये वाला पद पहले लिख देंगे डेल टू जी आई के अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो ये पद जो है पहले इसको लिख दिया, तो ये देखिए माइनस है ना, फिर ये माइनस यहाँ प्लस लिख दिए डेल टू जी एच जे अपान डेल एक्स आई
डेल एक्स की। अब चूंकि हम माइनस लिखे हैं, हाँ यहाँ पर प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस डेल टू जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के माइनस डेल टू जी एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये हो गया ऐसा। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट लगाए ना हम लोग माइनस यहाँ, तो ये बड़े ब्रैकेट में है तो इसको ये माइनस में है, हम माइनस लिखा है, यहाँ माइनस पहले लिख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहले इसको लिख देते हैं और फिर माइनस इसको, तो प्लस एम आई के एम एच जे माइनस एम आई जे एम एच के, ये हो गया ऐसा, बड़ा ब्रैकेट कर दिए। कुल मिला के समझना है कि हमको माइनस कॉमन ले लेना है और इसको ऐसा लिख देना है। तो आप परिभाषा से देखिए, ये आ गया माइनस आर आई एच जे के, क्योंकि आई एच जे के लिखे ना, तो पहले हमने बताया एच जे होना चाहिए, पहले स्टेप में कहाँ गया एच जे है, फिर आई के है प्लस में, है ना, फिर माइनस में आई जे, ये आई जे है, फिर एच के है, और फिर प्लस में एम एच जे है, फिर आई के, इसका उल्टा। समझ में आ गया, तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के जे, तो इसमें लिखेंगे कि आर एच आई जे के इज इक्वल टू, केवल अपने को समझना है डेफिनेशन, तो ये होता है वन बाई टू डेल टू जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के प्लस डेल टू जी एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस, माइनस अब एच जे रहेगा ऐसा, डेल टू जी एच जे अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के माइनस डेल टू जी आई के अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स जे प्लस गामा एम आई जे, और इसमें हो जाएगा एम एच के, आई जे हो गया ना तो एच के, फिर माइनस गामा एम आई के फिर एम एच जे। ये ध्यान देना है, ये है क्रिस्टोफेल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, ये है फर्स्ट काइंड, ये सेकेंड काइंड, ये फर्स्ट काइंड, क्लियर है। अपने को क्या प्रूफ करना है वो अपने को दिखा देना है बस। तो इसे माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो वन बाई टू ये वाले पद पहले लिख देंगे, डेल टू जी एच जे अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के प्लस डेल टू जी आई के अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स जे माइनस, जो माइनस वाले पद उनको पहले लिख देना है। आपको मालूम है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, माइनस डेल टू जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के माइनस डेल टू जी एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये हो गया। माइनस चूँकि बाहर कर लिए हैं तो अब इसमें भी इसको पहले लिख देंगे, प्लस गामा एम आई के एम एच जे माइनस एम आई जे एम एच के, और ये ब्रैकेट ऐसा। केवल अपने को परिभाषा देखना है कैसी होती है,
इसके बाद माइनस बाहर ले लेंगे, जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो ये परिभाषा आ जाएगी माइनस आर एच आई के जे। ये क्या होता है, पहले बीच की दो इंडेक्स होगी डेल टू जी आई के, देखिए आई के लिखा हुआ है, फिर डेल टू जी एच जे ये लिखा हुआ है, चाहे इसको लिखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, फिर माइनस में क्या होता है एच के, तो देखिए एच के लिखा है। अब फिर ये यानी चाहे आप इसको पहले लिखिए चाहे बाद में, ठीक है ना, तो ये चार पद हो गए। अब प्लस में ये हो गए, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब लास्ट तीसरी प्रॉपर्टी अपनी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है कि पेयर ऑफ इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है, मतलब आर एच आई जे के इज इक्वल टू आर जे के एच आई, यानी ये जो है ये एच आई शुरू की दो है और ये दो बाद की हैं, तो यदि हम इसको पहले लिख दें इसको बाद में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो इस परिभाषा को हम नहीं मिटाए हैं, ऐसे लिखा रहने दिए हैं, क्लियर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो गौर से देखिए आर एच आई जे के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी परिभाषा ये होती है, क्लियर है। अब हम राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसकी परिभाषा लिखते हैं आपके सामने, आल्सो आर जे के एच आई, ये लिखना है। हमने बताया आपको कि वन वाई टू पहले बीच की जो इंडेक्स है उनको लिखते हैं, इसमें इसमें क्या था आई जे लिखते थे, यहाँ इसमें क्या है एच के हैं, तो ये हो जाएगा डेल टू जी एच के अपान जो बची हैं डेल एक्स जे डेल एक्स, ये तो कम्यूटेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम मिन में होता है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसको पहले लिखी चाहिए इसको पहले, ठीक है ना। फिर प्लस गांव वाला मिटा दिए असल में, है ना, चलो गांव वाला लिख देते हैं यहाँ पर आ जाओ, प्लस गामा एम आई जे एम एच के माइनस एम आई के एम एच जे, यही था ना, तो ये परिभाषा आपकी ये इतनी थी। तो इसमें क्या है, जब हम के एच कर दिया आई तो पहले दो का लिखते हैं, फिर प्लस डेल टू जी आई जे अपान डेल एक्स एच डेल एक्स के माइनस डेल टू जी फिर जे एच, एक और तीन को लेते हैं जे एच अपान डेल एक्स आई डेल एक्स के माइनस डेल टू जी एच लीजिए अब के आई जी के आई अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे, ये ठीक है। प्लस गामा एम जो यहाँ जे आई लिखा ना, तो जे आई लिखे चाहे आई ये फिर एम एच के माइनस गामा एम, अब इसमें से आई के लिखते हैं आई के अफल सिंबल्स है, अब फिर फर्स्ट काइंड का एम एच जे, ये तो देखिए हमको ये मालूम है जो मीट्रिक टेंसर होता है वो सिमेट्रिक होता है, क्या होता है मीट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रमिन में होते हैं। तो इससे आप गौर से देखिए कि ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू दोनों क्या हैं समान हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आर एच आई जे के इज इक्वल टू आर जे के एच आई, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। इसमें देखिए इसमें जो हम लोग सेकंड की जो परिभाषा लिखे हैं तो क्रिस्टाफल सिंबल्स ऑफ ये सेकंड काइंड है ना, तो क्या होता है जो आई जे होते हैं वो पहले यहाँ आते हैं, ठीक बीच की जो इंडेक्स होती हैं, इसमें बीच में क्या लिखा है नहीं इसकी परिभाषा लिखे इसकी इसका लिखे इसका क्या है बीच में के एच एच के लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच के,
असल में हम देख लिए थे इसको, तो इसलिए जो है थोड़ा बड़ी सावधानी से करना है एस की। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई जे, ये ठीक है। अब यहाँ फिर क्या हो जाएगा एच के है, यहाँ पर जे एच हो जाएगा जे एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई के। ये लिखने में गलती नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि इंडेक्स देखने में भी इतनी ज़्यादा इंडेक्स है को थोड़ा सा भी मिस हुआ तो गलत हो जाता है। तो पहले होता है पेयर ऑफ बीच में जो है उनको लिखते हैं इसमें, तो इसमें बीच में क्या है के एच है, के एच ये जो बीच की है ना के एच, माइनस में के आई होगा, यहाँ पर के आई होगा, के आई करेक्ट, के आई और एच जे, एच के आई जे, एच आई एच जे, के आई एच जे, ठीक है। तो ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं व्यांकी आइडेंटिटी अथवा व्यांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, क्लियर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान है, हमको केवल इसकी परिभाषा जाननी है, उसके बाद लास्ट की थ्री इंडिसेस को साइक्लिक क्रम में हमको चेंज कर देना है। और फिर एक परिभाषा है तो उसके आगे जो दो स्टेप आएंगे, दो परिभाषाएं, उसी में चेंज कर देंगे, तीनों आ जाएंगी और तीनों को फिर हम लोग जोड़ देंगे तो देखेंगे सभी पद कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे By definition, we have R, किसी एक की परिभाषा लिख देते हैं H I J K is equal to, इसकी परिभाषा लिखते समय ध्यान रखना है कि चार पद होते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के, दो प्लस होते हैं दो माइनस होते हैं, तो उनको लिख देंगे 1/2 डेल 2g, पहले होते हैं मिडिल के आई जे, आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के, फिर प्लस डेल 2g एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये हो गए दो पद। फिर दो होते हैं निगेटिव, तो निगेटिव जो रहेंगे तो डेल टू जी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि एच और जे होगा, पहले हमारा आई जे लिए थे शुरू में, अब क्या रहेगा एच और जे, डेल टू जी एच जे अपान डेल एक्स, अब जो बची हैं तो आई डेल एक्स के माइनस डेल टू जी आई के अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे। फिर अब दो पद होते हैं क्रिस्टाफल सिंबल्स के, यानी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, तो एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव। इस प्रकार से इस परिभाषा में कुल छह पद होते हैं, उन छह पदों को हमको एक का अच्छे समझना है, बाकी सब बन जाएगा। तो देखिए इसमें होता है क्रिस्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, तो एम आई जे, फिर फर्स्ट काइंड में एम आई जे हो चुका तो कामा एच के माइनस एम आई के, और क्रिस्टाफल सिंबल्स एम एच जे, ये हो गया। ये परिभाषा सबको समझ में आ गई, क्रिस्टाफल सिंबल्स, क्रिस्टाफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड की जो डेफिनेशन होती है उसमें चारों इंडेक्स नीचे होती हैं, 0-4 टाइप का टेंसर होता है, इसमें कुल पद 6 होते हैं, शुरू के चार पद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के होते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, और दो होते हैं क्रिस्टाफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लियर है। अब कैसे लिखना है, बस यही थोड़ा ट्रिक है समझने के लिए कि पहले में जो बीच की जो इंडेक्स है आई जे लेते हैं, और नीचे जो बची रहेंगी उनको लिखेंगे, प्लस जो पहले लिखे इनको तो यहाँ आ जाएंगी, ये यहाँ आ जाएंगी, माइनस में जो दो रहेंगी उनको ध्यान रखना है कि पहले को तीसरे को लिखना है, और फिर जो बचेंगी उनको लिखना है, और उसी का जस्ट
क्लियर है? अच्छा, नाउ चेंजिंग साइक्लिकली आई जे एंड के वी गेट, चक्रीय क्रम में जो तीन इंडेक्स बाद में है एक दो तीन बदल देना है, इसको आप मानिए क्वेश्चन नंबर वन। चक्रीय क्रम समझते हैं ना, आई की जगह में जे, जे के की जगह में आई, तो ये जो परिभाषा लिखी हुई है उसमें क्या कर देंगे, यही काम कर देंगे, एज इट इज उतारेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि आई की जगह में जे हो जाएगा, जे की जगह में के हो जाएगा, के की जगह में आई हो जाएगा, और इसी को कॉपी कर देना है, बन जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आर, पहली इंडेक्स ऐसे ही रहेगी, लास्ट की थ्री इंडेक्स में है, तो जे के आई इज इक्वल टू वन बाई टू डेल टू जी जे के अपॉन डेल ए, यहाँ पर केवल यच एच ही रहेगा, क्या करना है, यच एच ही रहेगा, यच डेल एक्स आई प्लस डेल टू जी एच आई पान डेल एक्स जे डेल एक्स के माइनस। कोई प्रॉब्लम है क्या, जो हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टेप, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ एक सर्कल बना लेना है आपको, यदि भूले तो आई जे को आई जे के इस प्रकार से बदलना है, माइनस डेल टू जी एच के अपान डेल एक्स जे डेल एक्स आई माइनस डेल टू जी आई को के को आई, सॉरी आई को जे, आई को जे के को आई अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे को के। लिखने में गलती ना हो ये सावधानी रखना है, प्लस स्टाफल सिंबल एम जे के एम एच आई माइनस एम जे आई एम एच के, ये हो गया दो। नीचे चार इंडेक्स हैं तो उसमें पहली को छोड़ करके जे के आई कर देना है, कहीं लिखने में गलती तो नहीं हुआ, डेल टू वेरी गुड। ये अब अगला स्टेप जो होगा पुनः यही काम करना है, इस इक्वेशन नंबर टू में साइक्लिकली आई जे के को चेंज करना है। सो अगेन चेंजिंग साइक्लिकली आई जे एंड के वी गेट, ये पहले इक्वेशन में चेंज किया दूसरा मिला, अब दूसरे इक्वेशन में चेंज करेंगे तो तीसरा मिलेगा, क्लियर है? तो ये होगा आर एच के आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू डेल टू जी के आई अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स जे प्लस डेल टू जी एच जे अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स आई माइनस डेल टू जी एच आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स जे माइनस डेल टू जी के जे अपान डेल एक्स एच डेल एक्स आई, ये हमने साइक्लिकली चेंज करके लिख दिया, प्लस गामा यम के आई स्टाफल सिंबल यम एच जे माइनस गामा यम के जे यम एच आई। एम तो डमी इंडेक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 18, कितने हैं 18 पद हैं, पहले में 6 हैं, दूसरे में 6, तीसरे में 6। अब इसको बड़े गौर से समझना है, हमको जोड़ना है, तो 1 प्लस 2
प्लस थ्री, सो आर एच आई जे के प्लस आर एच जे के आई प्लस आर एच के आई जे इज इक्वल टू। सबसे पहले हम लोग इन 12 पदों को देखेंगे जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो देखिए इनको यदि हम तीनों को जोड़ेंगे, क्लियर, तो 1/2 सब में कॉमन है। अब यहाँ पर डेल टू जी आई जे अपान एच के, तो आई जे को देखिए जी के साथ में आई जे है, तो ये जो है प्लस में है, ये यहाँ पर आई जे ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट होते हैं और मीट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है, यानी जी आई जे इज इक्वल टू जी जे आई होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है और बाकी सभी पद कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए कैसे कैंसिल होंगे, पहला पद कैंसिल हो गया ना इससे। अब दूसरा देखिए एच के है, तो एच के यहाँ पर ये देखिए माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, दूसरा दूसरे से। फिर ये जे के प्लस में है, तो जे के प्लस में है, ये जे के प्लस में है, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर एच आई प्लस में है, एच आई ये माइनस में है, ये चौथा हो गया, तो 1, 2, 3, 4। फिर देखिए यहाँ एच जे माइनस में है, एच जे प्लस में है, तो ऐसे कर देते हैं, ये पांचवा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये आई के माइनस में है, ये आई के प्लस में है, ये छठवां हो गया और ये छठवां हो गया। मतलब इसमें कुल 12 पद थे, 6-6 करके कैंसिल हो गए। ये सबको समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम में होते हैं और मीट्रिक टेंसर सिमेट्रिक होता है। तो कहीं यदि दिक्कत होती है, कहीं आई के जगह में के आई लिखा है, तो वही चीज़ है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब बचे स्टाफल सिंबल्स। तो कुल अपने पास 6 पद हैं, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। तो देखिए एम आई जे यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एम आई जे ये निगेटिव है, तो एम आई जे और जे आई बराबर होते हैं। फिर इसके बाद एम एच के है, एम के एच है, ये भी सिमेट्रिक होते हैं। स्टाफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में जो पेयर ऑफ इंडिसेस होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, होती है ना। तो देखिए ये हो गया इसमें 7 से, ये 7 कट गया ये। फिर एम आई के है, तो ये एम आई के ये 8 से, ये 8 कट गया। और फिर एम के जे है, और एम के जे है ये 9 से, ये 9 कट गया। तो इन सबको देखते हैं आप, परीक्षा में आप काटना नहीं है, समझने के लिए बता देंगे, तो ये लिख देंगे 0। एंड हिज प्रूफ, इसको बोलते हैं बियांची फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? बियांची फर्स्ट आइडेंटिटी। अभी एक बार और बताएंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के सापेक्ष, उसको भी बताएंगे आपको। बियांची फर्स्ट आइडेंटिटी, बियांची सेकंड आइडेंटिटी, फिर एक को बोलते हैं बियांची आइडेंटिटी। क्लियर है? तो आज यहीं पर इसको, इस समझ में आ गया, इसको पूरा कर दिए।